हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा मोटो G64 फ़ोन है, तो मोटो G64 फ़ोन के सेटिंग्स पे जाकर कैसे अपने फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर फ़ोन में स्क्रीन और कैसे फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर स्क्रीन अपने फ़ोन में कैसे फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर फ़ोन में कैसे अपने फ़ोन को स्क्रीन शॉट कैसे कर पाएंगे अपने फ़ोन में। तो आज हम बताने वाले हैं कि कैसे अपने फ़ोन में स्क्रीन ऐड्स वगैरह को हट कैसे बंद कर सकते हैं और डिस्प्ले ऐड्स को आप कैसे हटा सकते हैं अपने फ़ोन में। तो आज हम बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आप देखते हैं आइकन शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही वाला आइकन से ओपन हो जाएंगे, जिसमें से आपको जाना है सेटिंग्स पे, और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी। तो आप कैसे स्क्रीन ऐड्स को आप रिमूव कर सकते हो, स्क्रीन ऐड्स को आप कैसे हटा सकते हैं अपने फ़ोन में और इसका आप यूज़ कर सकते हैं, देखते हैं। तो आप देख सकते हैं, तो आपको जाना है ऐप सेटिंग्स पे जाना है। तो इस पर डिस्प्ले पे जाकर दिखते क्लियर डाटा कर देना है। मैनेज डाटा को क्लियर रख करके स्क्रीन डाटा को क्लियर कर सकते हैं। तो इस पर क्लिक करके स्क्रीन इस पर क्लिक करते ही तो इस तरीके से क्लियर डाटा को कैसे क्लियर कर सकते हो, इस तरीके से डाटा को क्लियर कर सकते हैं। तो इस तरीके से कि डाटा को क्लियर कर सकते हो, स्क्रीन डाटा को क्लियर भी कर सकते हैं अपने फ़ोन में। तो इस तरीके से डाटा अपने फ़ोन में डाटा क्लियर करके स्क्रीन ऐड्स को आप हटा सकते हैं और स्क्रीन ऐड्स को रिमूव कर सकते हैं इस पर क्लिक करके, और यहाँ से भी स्क्रीन ऐड्स को आप रीसेट भी कर सकते हैं, जिससे ऐड्स को रीसेट करके स्क्रीन ऐड्स को रिमूव कर पाएंगे तो अपने फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक